एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12 बजे से। तो बस आज मुझे अपने बच्चों को नहलाना है, बहुत लेट उठी हूँ आज। मैं सो के पहले 6 बजे उठ गई थी, 7 बजे हस्बैंड को जाना था वो चले गए, फिर उसके बाद जो है फिर से हम सो गए और 10 बजे उठे सोकर। बहुत लेट हो गया और बहुत सारे काम पड़े, किचन भी देख लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अब मुझे बच्चों को नहलाना है, पानी रखूँगी गर्म और बस ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। आप मेरे साथ बने रही हो और उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस चैनल को प्यार देंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, बस यही बोलना है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ बिल्कुल भी आपसे बात किए बिना। तो बस आप लोगों को मैं मिलती रहूँगी, तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए पानी गर्म करने के लिए। पानी रख दूँगी गर्म, पहले इनको नहलाऊँगी, सबसे पहले ये काम ख़त्म करूँगी। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं अंदर दोनों रूम की सफाई कर दूँगी, फिर इन दोनों को नहलाकर फिर मैं वॉशिंग मशीन लगाऊँगी, उसके बाद खुद नहाने जाऊँगी और बाद में देखती हूँ खाना वाना बनाऊँगी। तो बस लेट आज पहली बार हुआ है कि मैं सुबह उठ के एक दोबारा सो गई और एक बार दोबारा उठो और फिर दोबारा सोना, फिर बहुत अच्छी नींद आती है। तो बस फिर भी मैं 10:30 बजे हो बज गए उठने में। तो अब मैं इन दोनों के लिए पानी गर्म कर रही हूँ फटाफट से, और मैंने सोचा पहले इस वाले रूम की मैं थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। वैसे जो है आजकल हम उसी रूम में सारे लोग सो आते हैं, टीवी वगैरह देखते, तो इस रूम में तो आते नहीं है। तो ये रूम इतना वो नहीं है, मैसी नहीं है, गंदा नहीं है। तो बस मैं इसकी बेडशीट वगैरह मैंने बिछाई थी रात ही को, तो बस इस पे रात को सोए वगैरह तो हम आए ही नहीं है। तो बस इसको मैं ऐसे ही सेट कर दूंगी, इस रूम को, ये क्लीन ही है। ये रूम ज़्यादा फैल जाता है इस रूम के। आज मुझे ये ब्लैंकेट भी धोना है और इस गद्दों को ऊपर डाल के आऊँगी, धूप लग जाएगी, और जितने भी कपड़े धोने वाले वो निकाल लें, मतलब आज बहुत काम है। और संडे वाला दिन है, सबका छुट्टी का दिन होता है, तो मुझे लगता है, लेकिन ये होता है कि संडे वाले दिन जो हाउस वाइफ होती है उनके डबल ट्रिपल काम बढ़ जाते हैं, ऐसा है। और मैं ना ऐसा करती हूँ, जिस दिन कपड़े धोती हूँ उस दिन बच्चों को नहीं नहलाती हूँ। तो आज मैंने ना दोनों काम एक साइड का साथ कर ली, और उसके साथ जो घर की भी थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग वो भी की, तो उसकी वजह से आज मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया और मैं थक गई। लेकिन ये है कि घर भी साफ़ हो जाता तो अच्छा लगता है, तो बस ऐसा है। तो यहाँ पर जो है ये गद्दे जाएंगे ऊपर सूखने के लिए, मेरा बेटा कभी कभार जो है इस पर वॉशरूम कर देता है। तो बस ये है कि इनको आज मैं धूप लगवाऊंगी, धूप बहुत अच्छी निकली थी कल भी आज भी। कल तो मैंने कोई काम नहीं किया था, बट ठीक नहीं थी, लेकिन आज मैंने जो है बहुत अच्छा से सारा घर जो है क्लीन किया है, सोफे हटा के अच्छे से जो है मैंने डीप क्लीनिंग की है, मिट्टी वगैरह जो भी हो थोड़े थोड़े दिन बाद मैं अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। और कपड़े वगैरह बहुत निकले पड़े हैं, तो बस ये मैं जितने भी आज कपड़े वगैरह धोऊँगी अच्छे से निकाल दूँगी इनको, तो फिर उसके बाद जो है मैं बाहर वॉशिंग मशीन भी लगानी है मुझे, जो धोने वाले कपड़े उनको निकाल के। और सोफ़ों के नीचे से मैंने अच्छे से सारी क्लीनिंग की आज, मैंने सोचा डीप क्लीनिंग कर दूँ मैं बहुत अच्छे से, तो बस वही कर रही हूँ। और इस रूम को मैंने मतलब सारा खाली कर दिया था, गद्दे ऊपर डाल दिए थे, ब्लैंकेट वगैरह धोया था, और जो कपड़े धोने वाले थे वो निकाले, सोफ़ों को हटा के अच्छे से इस रूम की क्लीनिंग की, क्योंकि ज़्यादातर हम इसी रूम में टाइम स्पेंड करते हैं, इसी में बैठते हैं, क्योंकि इस रूम में टीवी है और इसी रूम के साथ किचन है, तो फिर इधर ही खाना पीना सब होता है। उस रूम में सोने के लिए जाते हैं, वो भी आजकल जो है हम सब टीवी वगैरह देखते हैं, फिर हस्बैंड बच्चे सब एक ही इसी रूम में हम नीचे गद्दे लगा के यहीं पर सो जाते हैं, तो आजकल ऐसा चल रहा है। तो बस अभी मैं देख रही हूँ कौन से कपड़े धोने वाले कौन से नहीं है वो भी, और सोफे हटा कर मैंने जो है सारी सफाई की थी। तो बस ये था कि काम मुझे, मैं मतलब जो अगर कपड़े वगैरह धोने या डीप क्लीनिंग कर लेती, बच्चों को खल ऐसा कर लेती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा काम और सारी सफाई वगैरह क्लीनिंग करते वक्त मुझे जो है मैं 3-3:30 बजे के बाद फ्री हुई हूँ, और धूप सेकने को भी अच्छे से नहीं मिला। फिर उसके बाद जो कपड़े धोए थे वो उठा उठू के अंदर रखे, मतलब बहुत सारा काम आज हो गया, जो ऐसा मतलब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए वो आज नहीं मिला। लेकिन ये है कि घर भी, ये वाला रूम भी अच्छे से क्लीन वगैरह हो गया आज, मैंने बोला ना अच्छे से मैंने कर दिया, सोफ़े वगैरह हटा कर सारी क्लीनिंग हुई है आज अच्छे से। संडे वाला दिन वेरी बिजी डे हो गया मेरा, तो ऐसा हो गया। तो बट ये है कि सब नहा, बच्चों को नहला लिया खुद भी, और डीप क्लीनिंग भी मैंने अच्छे से कर ली, और बहुत सारे कपड़े भी थे धोने वाले, तो धूप थी तो मैंने सोचा ना, बोल तो रहे अब कंटिन्यू धूप निकलेगी, लेकिन मौसम का फिर भी कुछ पता नहीं चलता, तो इस वजह से मैंने जो है जो धोने थे वो तो धोए, जो मुझे लग रहा था कि नहीं धोने वो भी आज मैंने कपड़े इतने ज़्यादा धो लिए सारे, क्योंकि जब एक बार मैं लग जाऊँ तो मुझे ये होता है कि मैं काम करके छोड़ूँ अपना, मेरा मतलब ऐसा है। तो बस अभी जो है दोनों रूम मैंने क्लीन, दोनों रूम की डस्टिंग वगैरह तो अच्छे से कर दी, अब झाड़ू लगाना है तो वो लगाती हूँ, और आप लोगों को आगे मिलती हूँ मैं।
तो यहाँ पर जो है मैंने क्लीनिंग वगैरह घर की सफाई कर ली थी और बच्चों को नहला दिया और मैं इनके कर रही हूँ हेयर ड्राई बाल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। पानी तो मैंने गर्म से ही दोनों को नहलाया था, लेकिन मैंने क्या किया कि बाल इनके मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ जो ठंड वाला मौसम, और इस घर में धूप नहीं आती है, तो इस वजह से मैं इनके बाल सुखा देती हूँ। और बेटी को तो आज भी संडे था, ट्यूशन वगैरह जाना था, तो इसके तो बाल मैंने अच्छे से सुखा दिए थे कि इसको ना ठंड ना लगे, क्योंकि इसके बाल थोड़े हैवी भी हैं और लंबे भी हैं, तो इसके बाल मैंने अच्छे से सुखा दिए थे। और बेटे के भी बाल मैं ऐसे ही करती हूँ, इन दोनों के मतलब ऐसे खुद भी ऐसे ही अपने बाल भी हेयर ड्राई से, क्योंकि सर्दियों में ना बच्चों को ठंड लगने का डर रहता है, तो ऐसा है। और इनको वैसे मैं दो दो दिन बाद नहलाती हूँ, और सिर तो इनका वीक में मैं एक ही बार बेटे का धोती हूँ, जहाँ मतलब डेली हफ्ते में एक ही बार धुप जाए ठीक है, सर गर्मियों में तो फिर भी मैं दो दिन बाद धो देती, लेकिन सर्दियों में तो मैं वीक में या हफ्ते में एक बार, तो इसको मैंने कर दिया था। अब थोड़ा सा मैंने सोचा इसके बाल भी कर दूँ, और ये करवाता नहीं है, मतलब इसको गुदगुदी ऐसे नहीं कि रोता है, लेकिन ये करवाने में थोड़ा परेशान करता है, लेकिन मैं इसके भी कर देती हूँ कि इसके भी सिर में ठंड ना लगे, अच्छे से जो है करवा लें। और अभी देख ही सकते हैं ये कितना परेशान कर रहा है। तो बस इन दोनों के मैं हेयर ड्राई करने के बाद जो है अपने हेयर वॉश करने के लिए चली गई थी, क्योंकि पानी जाने वाला था और मुझे दो बजे तक कपड़े भी धोने थे, और अब ये नहाने का काम भी ख़त्म करना था, और इस वजह से मैं अपने बाल बाहर ही धोवाई थी पानी से। बाहर को जो पानी है वो गर्म होता है, मतलब कोसा कोसा पानी आता है, तो मैं बाहर ही धो लिए थे अपने बाल। तो बस नहाना रह गया, वो मैं 2 बजे से पहले ख़त्म करूँगी, फिर पानी चले जाएगा तो फिर ठंडा पानी आता है, और गर्म करने का अभी मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी को भी मुझे ट्यूशन भेजना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मटर मटर जो है चावल बना लिए, आलू मटर वाले, तो बस पुलाव बना दिए, और बस ये मेरा आज का ब्लॉग।